नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। टीकाकरण में गति लाने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी और मोतिहारी नगर निगम की महापौर ने कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नेत्रहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा कोरोना महामारी के दौर में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु जिलाधिकारी को सौंपा गया राहत सामग्री। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से कोरोना टीकाकरण एवं आपदा से संबंधित तैयारियों का किए समीक्षा, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। आदापुर प्रखंड स्थित मिडिल स्कूल के प्रांगण में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। नहीं है कोई प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल स्टाफ को हो रही है खूब परेशानी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम आरती के अध्यक्षता में टीकाकरण हेतु चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। सुगौली में पीएम आवास योजना में कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, वीडियो ने दिया सख्त निर्देश। मझौलिया में अतिक्रमण से सैकड़ों लोगों की फसल हुई बर्बाद, अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर मुखिया ने अंचला अधिकारी से लगाई गुहार। सिवान में समाज सेवी अफताब आलम लोगों को कोरोना के प्रति कर रहे हैं जागरूक, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का घर घर कर रहे हैं वितरण। नरकटियागंज स्टेशन पर सप्तक्रांति एक्सप्रेस से मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। सुगौली पुलिस ने चलाया मास्क व वाहन चेकिंग अभियान, पकड़े गए लोगों से वसूल की गई जुर्माने की राशि। और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मझौलिया के गुदरा में दिया गया कोरोना का टीका, लोगों को किया गया जागरूक। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने नगर निगम मोतिहारी के बड़ियारपुर स्थित वार्ड नंबर 38 के राजकीय मध्य विद्यालय में टीका केंद्र सत्र का उद्घाटन करते हुए नगर निगम के महापौर के साथ कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह टीका एक्सप्रेस मेडिकल टीम के साथ पूरे नगर के विभिन्न वार्डों में घूमकर लोगों को टीका देगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया कि अपने और अपने परिवार को टीका अवश्य लगवाएं, खासकर जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं सभी को टीका अवश्य लगवाएं तथा लोगों से टीका लगाने हेतु अपील करें। नगर निगम के महापौर ने भी लोगों से टीका लगाने की अपील की। इस अवसर पर नगर निगम के नगर आयुक्त, नगर निगम के महापौर, सिविल सर्जन सहित अन्य उपस्थित थे। अपील रहेगी कि आप सभी लोग जो है कृपया वैक्सीनेशन ड्राइव 45 प्लस उम्र के लिए जो है वैक्सीनेशन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध है। जहां भी आप बोलेंगे वहां पे जो है वैक्सीनेशन आपको उपलब्ध किया जाएगा। मैं माननीय मेयर साहिबा को धन्यवाद देना चाहता हूं मोतिहारी नगर निगम कि वो यहां पे आए और यहां के जो टीकाकरण का जो सत्र है इसका उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। धन्यवाद सर। नगर निगम वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग वैक्सीन लगाएं और आज हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज हरी झंडी दिखाकर ओपनिंग किया गया है, इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सारे नगर निगम से अपील करना चाहती हूँ फिर से कि आप लोग वैक्सीन लगाएं और सुरक्षित रहें। नेत्रहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा कोरोना महामारी के दौर में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के सहायता हेतु 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 पल्स ऑक्सीमीटर, 40 नजल कानूला जिला प्रशासन को देते हुए इन सामग्री को ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में अपने स्तर से वितरित करने का अनुरोध किया गया। विदित हो कि नेत्रहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र राजकिशोर लाल, वरीय उप समाहर्ता पूर्वी चंपारण एवं ऋतु रंजन कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी पताही ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। जिलाधिकारी ने आज इन सामग्रियों को अनुमंडलीय अस्पताल पकड़ी दयाल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी दयाल को और अनुमंडलीय अस्पताल ढाका के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ढाका को 1-1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5-5 पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया तथा सदर अस्पताल मोतिहारी को 10 पल्स ऑक्सीमीटर तथा 40 नोजल कैनुला वितरित किया गया। इस अवसर पर राजकिशोर लाल, वरीय उप समाहर्ता ऋतु रंजन कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी पताही एवं सिविल सर्जन उपस्थित थे।
पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने वीसी के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ कोरोना टीकाकरण एवं आपदा से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी लोगों का आपदा संपूर्ति पोर्टल पर लोगों का ब्यौरा 100% अपलोड कराएं। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए ताकि 100% अपलोडिंग का रिपोर्ट सरकार को भेजा जा सके। इस कार्य में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इस जिला में संपूर्ति पोर्टल पर लगभग 7 लाख लोगों का ब्यौरा अपलोड किया जाना है, परंतु अभी तक 50% ही लोगों का ब्यौरा अपलोड हुआ है। वहीं उन्होंने कोरोना टीकाकरण प्रगति की समीक्षा के क्रम में सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्लान बनाकर प्रति अनुमंडल प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंडों में टीकाकरण करने वाले टीमों का प्लान तैयार कर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि इस कार्य को 100% कराया जा सके। आदापुर प्रखंड में बीते कई दिनों से जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आदापुर मिडिल स्कूल के प्रांगण में वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से हो रहा है। इसको लेकर प्रखंड में प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। लेकिन इसी क्रम में वैक्सीनेशन सेंटर पर मेडिकल स्टाफ को छोड़कर किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी की मौजूदगी नहीं देखी जा रही है, जिसके वजह से सेंटर पर उमड़ रही लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए मेडिकल स्टाफ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर मौजूद कई लोगों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर यही व्यवस्था रही तो फिर वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अफरा तफरी में जो भी मेडिकल स्टाफ वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम आरती की अध्यक्षता में टीकाकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। जानकारी के मुताबिक सिरिसिया पंचायत के लौकरिया गांव, गाद बहुवरी पंचायत के तपसी परसौना गांव में टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान में उपस्थित ग्रामीणों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए प्रत्येक नागरिक को टीका लेना अनिवार्य बताया गया। उन्होंने बताया कि टीका लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्रों में 45 वर्ष से अधिक के लोगों के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा है, इसलिए एक भी ग्रामीण टीका से वंचित नहीं रहें। मौके पर उपस्थित रक्सौल PHC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर SK सिंह ने भी ग्रामीणों को टीका लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार, BDO संदीप सौरभ, CO विजय कुमार उपस्थित थे। सुगौली में PM आवास योजना को पूरा करने में किसी तरह की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों पर नीलाम पत्र दाखिल किया जाएगा। 5 दिनों के अंदर कार्य को पूरा करना होगा। ये बातें BDO सरोज कुमार बैठा ने दक्षिण छपरा बहास पंचायत के आवास योजना की जाँच करने के दौरान कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी भी आवास सहायक के द्वारा लाभुकों से रिश्वत लेने की बात सामने आती है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होना तय है। जो लाभुक प्रथम किस्त या द्वितीय किस्त की राशि का उठाव कर कार्य कर लिए हैं तो वे अपने अगले भुगतान के लिए सीधे मेरे पास आएं, उनका भुगतान अविलंब किया जाएगा। किसी भी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ने की बात उन्होंने लाभुकों से कही। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के अहवर कुरिया की मुखिया कलावती देवी ने अंचलाधिकारी मझौलिया को आवेदन देकर कहा है कि वार्ड नंबर 14 के मुख्य सड़क पर बने पुल और सड़क को कुछ ग्रामीणों ने अतिक्रमित कर दिया है, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में किसानों की मक्के एवं सब्जी की फसल पानी में डूब गई है। मुखिया ने कहा है कि उक्त भूमि गैर मजरुआ है, जिसको कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमित किया गया है, जिसको लेकर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने अंचलाधिकारी से सड़क और पुल को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि आवेदन के आलोक में जांच कराकर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेन रोड है, अहवर से लेकर कुरिया तक रोड जाती है, पक्की सड़क के बाद पानी का बहाव पूरे मेरे गाँव का पानी का बहाव बरसात के दिन इसी ऐसे से पुल से निकलता था, लेकिन 2 साल से इन्होंने माटी भर करके सुबू प्रसाद के परिवार के लोग मिट्टी भर करके अवरुद्ध कर दिए हैं। पानी का बहाव बंद है, जिससे सैकड़ों किसानों का फसल पानी में डूब गया है।
मैंने कॉल अंचलाधिकारी को आवेदन दिया कि इस अतिक्रमण को जितना जल्दी हो इसको हटाया जाए, कि लोगों का फसल खेत से घर पर जा सके। जिला प्रशासन सिवान द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी आफ्ताब आलम ने भी कुछ दिनों पहले सिवान के एमएम कॉलोनी सहित वार्ड नंबर 28 में घर घर सैनिटाइजेशन का काम कराया था। अब आंशिक रूप से लॉकडाउन में छूट मिलने पर भीड़ को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार फिर से समाज सेवी आफ्ताब आलम मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर का घर घर वितरण कर रहे हैं। साथ ही लोगों से वैक्सीन को जिम्मेदारी के साथ लेने की बात कही जा रही है। साथ ही वे हैंड सैनिटाइजर, दो गज की दूरी एवं मास्क का उपयोग करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। जहां कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, लोग परेशान हैं, आंशिक रूप से अब छूट भी मिलनी शुरू हो गई है, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी है, वहीं हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार लोगों को जागरूक करने और सैनिटाइज कराने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब आलम, जो समाज सेवी हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने पूरे इलाके में सैनिटाइज कराने का काम कराया है और आज चूँकि आंशिक रूप से लॉकडाउन में जो छूट मिली है और मार्केट में भीड़ को देख करके ये काफ़ी चिंतित हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है मामला। आफ्ताब आलम जी, बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ में। जी देखिए, हम लोग तो शुरू से ही समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोग समाज का काम करते आए हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने पूरे घर घर को सैनिटाइज करवाया था जी। तो अभी कुछ छूट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने सोचा कि भाई भीड़ बढ़ रही है तो लोगों को सेफ्टी के लिए, लोगों को जागरूक करते हुए हम सैनिटाइज बंटवाने का काम कर रहे हैं घर घर सब किसी को। क्या अपील करेंगे और कहां से प्रेरणा मिलेगी आपको? देखिए, प्रेरणा की जहां तक बात है, उदासीनता जो है हमारे इसमें, हमारे नगर परिषद का हुआ या जो भी है, कमी बहुत है। हमने देखा अपने वार्ड में, हर जगह देखा, तो इसको देखते हुए हमने इसको शुरू किया कि लोगों तक, लोगों का भला किया जाए। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लोग जागरूक नहीं है, उसके लिए आपने क्या पहल किया है? देखिए, वैक्सीनेशन के यहाँ तक बात है, वैक्सीनेशन तो होनी चाहिए, लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी ज़रूरी है, तो मैं अपील करूँगा लोगों से कि लोग वैक्सीन लगवाएँ जी। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी आफ्ताब आलम, जिन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए सैनिटाइज कराने का काम तो पहले किया, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन में आंशिक रूप से जो छूट मिल रही है उसको लेकर के इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो दो गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हैंड वॉश करें और सैनिटाइजर का यूज़ करें, जिसको लेकर के आज ये सैनिटाइजर और हैंड मास्क, सैनिटाइजर और मास्क के वितरण का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के इन्होंने वितरण की आज योजना बनाई है। गोरखपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के नरकटियागंज स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह 02558 डाउन सप्त क्रांति एक्सप्रेस के S1 के बर्थ संख्या 3 से एक 23 वर्षीय युवक का शव रेल पुलिस ने बरामद किया है। उक्त जानकारी देते हुए रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस के S1 बोगी के बर्थ संख्या 3 पर एक आदमी बेसुध पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ छानबीन किया गया, जिसके दौरान मृत अवस्था में एक युवक का शव पाया गया। जांच पड़ताल के बाद उसके आधार कार्ड से उसकी पहचान हो पाई। मृतक की पहचान विकास कुमार, पिता हरेराम प्रसाद, जिला भोजपुर के पीरो गाँव निवासी के रूप में हुई है। सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसटीवी न्यूज़ के नरकटियागंज संवाददाता रवि कुमार मिश्रा के मुताबिक युवक के पास से रेलवे टिकट, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किया गया। ट्रेन में युवक की शव मिलने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। करीब एक घंटे तक सप्त क्रांति एक्सप्रेस स्टेशन पर ही रुकी रही, जिससे बाकी यात्रियों में परेशानी देखा गया। वहीं रेल थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदय गति रुकना प्रतीत होता है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। सुगौली में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए गए लॉकडाउन व सरकार के निर्देशों का पालन कराने को लेकर पुलिस की टीम सघन जांच अभियान चलाने में जुटी है। कहीं वाहन मास्क, ई पास की चेकिंग की जा रही है तो कहीं सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। ASI औरंगजेब खान व PTC राजीव कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ छपवा सुगौली पथ व छपवा मोतिहारी पथ में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इसके तहत सड़कों पर आ रहे वाहनों को रोका गया और मास्क के साथ ई पास की मांग की गई।
वाहन जांच क्रम में बगैर ई पास व बिना मास्क के वाहन से सफर कर रहे लोगों की वाहनों को जब्त करते हुए सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने के मामले में जुर्माने की राशि वसूली गई। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मास्क व वाहन जांच अभियान आगे भी चलता रहेगा। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत गुदरा पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा, उप प्रमुख नंदकिशोर यादव तथा मुखिया देव शरण प्रसाद के अथक प्रयास से वैश्विक महामारी COVID-19 से बचाव का लगभग 150 लोगों का टीकाकरण किया गया। बताते चले कि कुछ ग्रामीणों ने टीका लेने से इनकार किया था, लेकिन उप प्रमुख नंदकिशोर यादव और मुखिया देव शरण प्रसाद द्वारा ग्रामीणों को समझा बुझा कर टीका लगवाया गया। हालांकि टीकाकरण एक्सप्रेस द्वारा किए गए प्रचार प्रसार का असर ग्रामीणों पर नहीं देखा गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ए सलाम तथा स्वास्थ्य प्रबंधक कुमार विशाल ने भी ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों में काफी उदासीनता देखी गई। प्राथमिक विद्यालय मोरमठ और पंचायत भवन में टीकाकरण स्थल बना था, जहां ANM पूनम कुमारी, LT संतोष कुमार दुबे, प्रवेक्षिका ममता कुमारी सहित अन्य के द्वारा लोगों को कोरोना जांच करते हुए वैक्सीन दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।